हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड होगा स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट का। तो जो स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट होगा, एक्चुअली कितना छोटा, 10^-4, 10^-2, 10^-6, कितना छोटा। ठीक है, इससे भी बहुत ज़्यादा छोटा। कितना, 10^-8, नो, इससे भी और छोटा। कितना, 10^-10, जी हाँ बिल्कुल, 10^-10 के ऑर्डर को आज हम लोग मेजर करने वाले। मतलब सोचो कि 1 मीटर का 10^10 भाग, ओ माई गॉड, ये बहुत छोटा डिस्टेंस है। इवन कि आप अपने नेक डाई से इसे देख भी नहीं सकते हो, ठीक है ना, इसे महसूस भी नहीं कर सकते हो कि इतना छोटा डिस्टेंस भी मेजर हो सकता है। लेकिन आज हम लोग करेंगे मेजर, है ना। ये अलग बात है, वो मेजरमेंट डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होगा, इनडायरेक्ट मेजरमेंट होगा। बहुत मज़ा आने वाला है आज के लेक्चर में, बहुत अच्छे से बने रहे, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है ना, और अच्छे से ध्यान से अगर पूरे लेक्चर को एंड करते हैं तो डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर एटम के साइज़ का, तो एटम के साइज़ मेजर करने के लिए सबसे पहला अगर कमेंट आया था किन्हीं का, है ना, तो वो किन का था, एवोगाड्रो का। ठीक है, उनका कहना ये था कि जो एटम्स होते हैं ना, उनका जो साइज़ है, उसका जो शेप है, वो कुछ स्फेरिकल होता है। ठीक है, कैसा होता है, स्फेरिकल। और कोई भी सब्सटेंस दुनिया का, कोई भी बॉडी, कोई भी चीज़ है ना, वो बहुत सारे एटम से मिलकर बने होते हैं। तो उसमें क्या कहा गया कि ये जो सारे एटम्स हैं, 1 एटम 2 एटम 3 एटम, ये जो सारे एटम्स हैं, आपस में क्लोज टुगेदर, जैसे सॉलिड बॉडी का बात करें तो इसमें बहुत सारे एटम्स हैं और बहुत क्लोज भी आपस में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके स्फेरिकल होने के कारण, किसके, एटम के स्फेरिकल होने के कारण क्या हो जा रहा है, जैसे देखो ये स्फेरिकल, तो स्फेरिकल होने के कारण बहुत सारा गैप्स इनके बीच रह जा रहा है, ये देखो गैप्स दिख रहा है, ये देखो गैप, है ना, तो ये बहुत सारा गैप रह जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो इनका ये आया कि ये कैसा नेचर का होगा, स्फेरिकल होगा, नंबर एक। और दूसरा स्टेटमेंट क्या आया इनका कि ये जो गैप्स होते हैं ना, ठीक है, मान लो कोई भी वॉल्यूम का एटम लिया आपने, कोई सब्सटेंस लिया है ना, जिसका वॉल्यूम कितना है, भी, और उसमें ढेर सारे एटम्स हैं। अब ये इसका वॉल्यूम को आप, उन्होंने कह दिया, अगर ये भी वॉल्यूम है तो एक्चुअल में जो इसका एटम है वो कितना जगह घेर रहा है, कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो 2/3 पार्ट ही है और बाकी खाली जगह है। यानी 1/3 क्या है, खाली है, और 2/3 क्या है, पैक्ड है। ठीक है, 2/3 स्पेस में क्या हो रहा है, ये सब एटम्स मौजूद हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ये दोनों उनका स्टेटमेंट आया था, किनका स्टेटमेंट था, ये एवोगाड्रो का स्टेटमेंट था। ओके, मान लिया हम लोगों ने। अब इसी बेसिस पे कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे किसका, साइज का, किसके साइज का, एटम या फिर मॉलिक्यूल के साइज का। चलो करते हैं शुरू। मान लो कि कोई एटम लिया गया बहुत सारा नंबर में, ठीक है, कितना, बहुत सारा नंबर में, ठीक है, और उस एटम का जो मॉलिक्यूलर मास था वो कितना था, m था। उस एटम का मॉलिक्यूलर मास कितना, m, तो ये ले लो मॉलिक्यूलर मास। ओके, अब आप जानते हो कि मॉलिक्यूलर मास अगर m है ना, तो अगर उसका m ग्राम ले लिया जाए तो वो 1 मोल के बराबर होता है ना, उसमें 1 मोल एटम्स मौजूद होंगे। यानी m ग्राम जब ले लिया जाएगा तो 1 मोल हो जाएगा, और 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं आपको पता है, कितने, तो 6.022 × 23 आप लिखते होगे, 23 × 10^23, है ना, 10^23 इतने एटम्स मौजूद है। ओके, यानी इसे हम कह सकते हैं कि ये कितना, इसको n नंबर कह दिया हमने, कितना नंबर कह दिया, n नंबर। ये m ग्राम में n नंबर ऑफ एटम्स मौजूद है, इसलिए 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 1 ग्राम में हो जाएगा वो n/m एटम्स। ठीक है, कितना हो गया, n/m एटम्स। अब आपके पास क्या है कि सर अगर हम 1 ग्राम को लेते हैं, कितने ग्राम को लेते हैं, 1 ग्राम को लेते हैं, तो n/m एटम्स आता है। अब क्या करना है, लेट r इज द रेडियस ऑफ एटम मान लिया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 का, ठीक है, तो 1 का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³, ये 1 का वॉल्यूम हो गया। अच्छा, अगर है कितना, इसमें तो n/m है ना, तो टोटल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n/m × 4/3 πr³। ये देखो 1 ग्राम सब्सटेंस का वॉल्यूम है,
वॉल्यूम ऑफ वन ग्राम, ऐसा लिख दो, वॉल्यूम ऑफ वन ग्राम, ठीक है, ओके। एक ग्राम सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना आ गया, एन अपॉन एम, 4/3 पाई आर क्यूब, एक ग्राम का है, ओके। अब क्या करें, एक ग्राम का तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब देखो यहां से हमें रेडियस निकालना है, रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे एटम का तो पता चल जाएगा उसका साइज क्या है, तो रेडियस कैलकुलेट करना है, कैसे करें कैलकुलेट, तो आर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो आर क्यू इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम और इनटू, ये तो वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम इनटू 3m बाई 4n, ठीक है, और ये पाई किधर जाएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो पाई यहाँ पे ले लो, ये आ गया। अब एवोगाड्रो साहब ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो वॉल्यूम होता है, जो भी वॉल्यूम आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है ना, जो भी वॉल्यूम आप कैलकुलेट करते हो उसका 2/3 हिस्सा ही वो क्या करता है, गेन करता है, मतलब 2/3 हिस्सा में ही वो मौजूद होता है, 2/3 हिस्से में, बाकी का जगह क्या रहता है, खाली रहता है। तो हम इस वॉल्यूम को ये कह सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम है एक्चुअली में 2/3 इनटू भी है, ठीक है, तो आर क्यू बराबर आप क्या लिखोगे, 2/3 इनटू भी और 3m अपॉन 4n पाई, ये लिखोगे आप, क्लियर। तो यहाँ से क्या बना, 3 से 3 कैंसिल या 2 से 2 कैंसिल, यानी आर क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, एम भी है ना डिवाइडेड बाई क्या जी, 2n पाई, ये आ गया आर क्यू इज इक्वल टू, जहाँ एम क्या है, एम इज द मोलिकुलर मास, भी क्या है, भी इज द वॉल्यूम, और 2 क्या है, 2 है आपका टू इज द नंबर, एन इज द एवोगाड्रो नंबर एंड पाई इज द पाई, पाई का वैल्यू 3.14। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम को देखो, वॉल्यूम नहीं दिया रहेगा कभी भी किस सब्सटेंस का, तो दिया क्या रहेगा, वहां पे दिया रहेगा आपको डेंसिटी, तो वॉल्यूम को आप डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, आप जानते हो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, है ना। अब मास कितना लिया गया, इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने मास ले लिया 1 ग्राम, है ना, तो 1 ग्राम जब मास ले लिया तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो, 1 ग्राम के हिसाब से, अगर आप 1 ग्राम सब्सटेंस ले लेते हो तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन रो आ गया, तो आर क्यू इज इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, है ना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, दिस इम्प्लाइज आर क्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, आर क्यू इज इक्वल टू देखो भी इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, तो लिख देते हैं यहाँ पे एम डिवाइडेड बाई 2n पाई, है ना, और इनटू रो, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद r इज इक्वल टू फाइनली क्या लिखोगे, तो फाइनली लिखा जाएगा 1m अपॉन 2n पाई रो टू द पावर होल पावर 1/3, ठीक है ना, देखो रेडियस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग छोटे साइज के डिस्टेंस को मेजर करते हैं या फिर एटम के साइज को मेजर करते हैं, क्लियर है ना, और इसे एवोगाड्रो का हाइपोथेसिस से हम लोगों ने मेजर किया, है ना। इसको एक बार राइटिंग में लिखते हैं पूरे अच्छे से, उसके बाद हम लोग नोट करेंगे, है ना, डिफाइन करेंगे हर बात को, उसके बाद नोट करते हैं। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया, नहीं तो फिर से मैं डिस्कस करूँगा लिख के। चलो चलो, तो देखो इसमें बताया एटम्स आर स्फेरिकल इन नेचर, ठीक है, स्फेरिकल होता है जैसा कि मैंने पहले बताया था, स्फेरिकल इन शेप, सो व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर पैक टुगेदर सम एम्प्टी स्पेस आर लेफ्ट, है ना, कुछ खाली जगह रह जाता है उन सभी के बीच, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, यही मैंने चर्चा किया था इसी के बारे में कि एवोगाड्रो एक हाइपोथेसिस था उनका, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, जितना उसने ऑक्यूपाई किया है, जितना उसने घेर रखा है, ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाई द एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, बाई द एटम्स, 1 ग्राम सब्सटेंस में एटम के द्वारा जितना जगह घेरा गया है इज 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, एक्चुअल में वो 2/3 पार्ट, जैसे 1 ग्राम आपने सब्सटेंस लिया, 1 ग्राम सब्सटेंस इतना जगह को घेरा, है ना, तो ये जो जगह है, ठीक है, इतना जगह को घेर तो लिया है, लेकिन क्या इतना वॉल्यूम है उसका, नहीं, तो इसका 2/3 है ना, 1 ग्राम सब्सटेंस लिया, इतना जगह घेरा, है ना, तो एक्चुअल वॉल्यूम उसका कितना होगा एटम का, 2/3 होगा, ठीक है ना, घेरा तो इतना है लेकिन होगा कितना, 2/3 होगा, क्लियर है, तो 2/3 वो बोल रहा था।
ओके हमने मान लिया कि जो एटम लिया गया है, जो मॉलिक्यूल लिया गया है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, m है। तो अगर उसी मॉलिक्यूल के m ग्राम को ले लिया जाए, ठीक है, तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा, और 1 मोल के बराबर हो जाएगा यानी n नंबर ऑफ एटम उसमें मौजूद होगा या n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसमें मौजूद होगा, और ये n किसके बराबर होगा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, है ना। तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि 1 ग्राम में कितना होगा, तो m ग्राम में इतना, तो 1 ग्राम में n अपॉन m मॉलिक्यूल्स। ये देखो 1 ग्राम में हमने निकाल लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लियर है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि 1 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा, है ना। तो कैसे पता करें, लेट हम मान लेते हैं इसमें भी, लेट कि रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा। रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल को हमने कह दिया r है, स्मॉल r, है ना। तो एक एटम का, एक का रेडियस r, तो एक एटम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्योंकि ये देखो कैसा शेप का है, स्फेरिकल शेप का है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, 4/3, है ना, पाई आर क्यू, ये एक एटम का वॉल्यूम हो गया, ये एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हो गया। लेकिन क्या हमारे पास एक ग्राम में एक ही मॉलिक्यूल था, नहीं, इतना मॉलिक्यूल था, तो एन बाई एम मॉलिक्यूल था, तो एन बाई एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये वी इज इक्वल टू कितना हो गया, वी इज इक्वल टू एन अपॉन एम इंटू 4/3 पाई आर क्यू। अब ये वॉल्यूम निकल आया, कितने का वॉल्यूम निकल आया, ये 1 ग्राम का वॉल्यूम है, यहाँ पर नोट कर लो, एम 1 ग्राम का वॉल्यूम है ये, ठीक है। तो 1 ग्राम का वॉल्यूम निकल रहा है। अब क्या करना है आगे, हमें रेडियस निकालना है, ठीक है ना। साइज निकालने के लिए क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो क्या करेंगे रेडियस निकालने के लिए, तो देखो उससे पहले अपना क्या अप्लाई कर दो, इसका एवोगाड्रो का हाइपोथेसिस, तो कितना था, 2/3 एक्चुअल वॉल्यूम होता है, 2/3 इंटू वी इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, एन अपॉन एम, है ना, एन अपॉन एम इंटू 4/3, है ना, और पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। अब यहाँ से देख लो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 टाइम में ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या लिखा जाएगा, V इज इक्वल टू एन अपॉन एम, है ना, इंटू 2 पाई आर क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा वी एम डिवाइडेड बाई कितना जी, 2 एन पाई इज इक्वल टू आर क्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे m क्या है, m है मॉलिकुलर मास, ठीक है, और v क्या है, v इज द वॉल्यूम। अब क्या जानते हो, डेंसिटी जो होता है ना वो मास बाई वॉल्यूम के बराबर होता है। तो यहाँ से हम वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू लिख सकते हैं मास अपॉन क्या, डेंसिटी लिख सकते हैं यहाँ पे, मास अपॉन डेंसिटी। अब देखो मास हमने कितना ले लिया ऑलरेडी, 1 ग्राम ले लिया, है ना, तो 1 ग्राम ले लो मास को, यहाँ से देखो, तो 1 ग्राम मास लेंगे तो ये वॉल्यूम जो हो जाएगा भी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन डेंसिटी, तो 1 अपॉन डेंसिटी यानी 1 अपॉन रो। तो वॉल्यूम बराबर कितना आ गया, 1 अपॉन रो। अब इस वॉल्यूम भी का वैल्यू इसमें ले जाके पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं, तो आर इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज आर क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा भी, तो भी ही रह जाएगा, है ना, नो सर, भी के जगह पे क्या रखोगे, 1 अपॉन रो, तो m, है ना, m, m क्या है, मॉलिकुलर मास था, है ना। अच्छा नीचे क्या है, 2 है, n है, पाई है, इन सब चीज़ों में तो किसी तरह का बदलाव नहीं है, लेकिन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन डेंसिटी है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, डेंसिटी, है ना। और फाइनली जो r बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, m अपॉन 2n पाई रो, है ना, ये, और इस पे पावर आप कितना लगाओगे, 1/3, तो 1/3, दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग साइज कैलकुलेट किया करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का। आप अच्छे से इसे नोट कर लें एक बार स्क्रीन को पॉज करके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम लोग ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज का। चलो हो गया ना, मिटाते हैं। चलो तो अब ओलिक एसिड के साइज को हम लोग मेजर करना चाहेंगे, है ना। कैसे करें मेजर, ओलिक एसिड एक तरह का एसिड है, ठीक है, अंतर क्या है और एसिड्स और इसके इसमें, है ना। तो इसका जो मॉलिक्यूलर साइज होता है और एसिड्स की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, जिससे हमें आसानी हो जाएगा मेजर करने में, ठीक है। जितना बड़ा मॉलिक्यूल का साइज उतना अच्छा होगा हमें, हमारे लिए मेजर करने में, नंबर एक। नंबर दो, ये जो होता है सोपी नेचर का होता है, सोपी समझते हो, साबुन का नेचर का होता है, उस टाइप का नेचर होता है इसका, ओलिक एसिड का, क्लियर। चलो तो ओलिक एसिड के साइज को मेजर करने के लिए, ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल के साइज को मेजर करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा किस चीज़ का, अल्कोहल का, ठीक।
चलो तो प्रोसेस क्या क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर के अंदर 20 सेंटीमीटर क्यूब, कितना 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल ले लेते हैं। ये रहा, ये कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल, ठीक ओके। अब इसमें हमने डाल दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड, ठीक है। ये लो, कंसंट्रेशन का नाम सुना होगा आपने, है ना। कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ापन, यानी किसी भी सॉल्यूट का कितना अमाउंट सॉल्वेंट में मौजूद है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अल्कोहल जो है वो सॉल्वेंट हो गया और ये क्या हो गया, ओलिक एसिड सॉल्यूट हो गया, ठीक है। इसे मिलाया गया तो ओलिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन बना वो 1/20 बना, मतलब 20 सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल में 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्या है, ओलिक एसिड है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना कहलाएगा, 1/20, ओके। अब इसको मिला दिया गया, एक सॉल्यूशन बना दिया गया, क्या मिला दिया गया, इसको ओलिक एसिड को और अल्कोहल को मिला के एक सॉल्यूशन बना, जैसे घोल दिया हमने, है ना। अब उससे क्या किया गया, फिर से 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ले लिया गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या ले लिया गया, सॉल्यूशन, और फिर से इसे किस में डाल दिया गया, फिर से इसे डाल दिया गया अल्कोहल के अंदर, ठीक है। फिर से डाल दिया गया अल्कोहल के अंदर और अल्कोहल का फिर से वॉल्यूम कितना था, 20 सेंटीमीटर क्यूब था। ध्यान से सुने, पहले क्या किया गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लिया गया, उसे 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में डाल दिया गया, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन था 1/20 हो गया। अब ये नया सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, अब नया सॉल्यूशन जो फॉर्म हुआ उस सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब फिर से निकाला गया, इससे 1 सेंटीमीटर क्यूब फिर से निकाला गया और 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में जाके डाल दिया गया, ठीक है, और उसे फिर से नया सॉल्यूशन बना दिया गया। वाह जी वाह, क्या कर रहे हो सर आप। तो जब यहाँ से सॉल्यूशन निकाला गया और इसमें डाला गया तो ऑलरेडी यहाँ पे इसका कितना था कॉन्सेंट्रेशन, 1/20, अब फिर से 20 में डाल दिया गया तो फिर से कितना हो जाएगा, 1/20, यानी फाइनली जो क्या आया कॉन्सेंट्रेशन आया वो 1/400 आया, किसका कॉन्सेंट्रेशन, ओलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर, ठीक है ना। अब ऐसा एक सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया गया, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आगे क्या करते हैं, आगे एक वाटर लेते हैं, है ना, वाटर लेते हैं किसके अंदर, किसी कंटेनर के अंदर, ब्रॉड कंटेनर के अंदर, जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो ना वो क्या हो, चौड़ा है, है ना, बड़ा हो थोड़ा सा। अब हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें ओलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1/400, अभी मैंने बताया था कैसे किया उसे। अच्छा, अब उस वाटर के सरफेस के ऊपर, चलो लो यहाँ पे वाटर है, पानी, पानी के ऊपर हमने क्या डाल दिया, ओलिक एसिड डाल दिया। ओलिक एसिड कितना डालना है, तो देखो हमारे पास जो सॉल्यूशन था, एक सॉल्यूशन था हमारे पास, है ना, और उस सॉल्यूशन में क्या था, तो उस सॉल्यूशन में 1/400 कॉन्सेंट्रेशन था ओलिक एसिड का, ओलिक एसिड का। इससे हमने एक ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर है ना, उस ड्रॉपर से हम लोग ने सक किया, देखो बचपन बच्चों को पिलाया जाता है उससे वो कुछ दवा वगैरह, है ना, तो उस ड्रॉपर से ही पिलाया जाता है। तो उसी प्रकार का एक ड्रॉपर होता है लैब में, उस ड्रॉपर से हमने निकाला n ड्रॉप ऑफ क्या, सॉल्यूशन, और उसमें ये पता होता है कि एक ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा। सबसे खास बात उस ड्रॉपर का यही होता है कि एक ड्रॉप अगर गिराया आपने तो उसका वॉल्यूम क्या है, है ना। तो उसी ड्रॉपर से हमने n ड्रॉप ऑफ क्या गिरा दिया, n ड्रॉप ऑफ गिरा दिया वो सॉल्यूशन, ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन n ड्रॉप गिरा, एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना था, भी, तो n ड्रॉप का कितना हो जाएगा, n भी, है ना। अच्छा, तो ये हो गया किसका, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, n भी। लेकिन ओलिक एसिड का वॉल्यूम कितना होगा, जो प्रेजेंट है, तो ओलिक एसिड का वॉल्यूम हो जाएगा, ओलिक एसिड का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा Nb/400, क्योंकि इतना ही पार्ट तो है ना, एक पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में कितना, 400 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में एक पार्ट क्या है उसका, ओलिक एसिड है, तो Nb/400 यह क्या आ गया, ओलिक एसिड का अमाउंट। अच्छा, अब ओलिक एसिड का अमाउंट आ गया हमारे पास Nb/400, आगे क्या सर, इसे हम डाल देते हैं पानी के सरफेस के ऊपर। अब डाला गया तो इतना ओलिक एसिड है, कुछ देर हमने वेट किया तो इसके सरफेस पे जितना अल्कोहल था पहले फैला, है ना, ओलिक एसिड के साथ, उसके बाद धीरे धीरे इवेपोरेट हो गया, अल्कोहल का तो नेचर ही यही है,
ठीक है, नहीं पता है ताकि सुन लो कि अल्कोहल को आप जब एयर में ऐसे सीधा छोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। अल्कोहल इवेपोरेट हो गया, ओलिक एसिड कहीं नहीं जाएगा। अब ओलिक एसिड को हमने क्या किया, पेपर थिन पेपर से लेके उसको धीरे धीरे उसके सरफेस पे ही बस रहेगा, कहीं नहीं जाएगा ओलिक एसिड, तो उसको और पतला कर दिया, उसे और थिन कर दिया, है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब करके, अच्छा, और पूरे सरफेस के ऊपर बिछा दिया। और हमने ऐसा माना कि ओलिक एसिड जो है कुछ अब इस तरह से इसके सरफेस के ऊपर आ गया है, यानी एक एक मॉलिक्यूल क्या है इसके सरफेस के ऊपर ओलिक एसिड का, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, और इसके सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओलिक एसिड है। अब आप जानते हो ओलिक एसिड का वॉल्यूम NV अपॉन 400 है, और यहाँ पे ये क्या है, इतना इसका एरिया हम लोग पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे, तो ये जो बाल्टी हम लोगों ने लिया था उसका एरिया हमको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, इसका रेडियस से पता चलेगा, है ना, इसका रेडियस अगर पता चल गया बाल्टी का या फिर कंटेनर का, तो क्या करेंगे, उसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे, यानी उतना एरिया में, जैसे एक बाल्टी सोचो ना, एक बाल्टी या कटोरा कुछ भी आपके पास है, जो भी पॉट है बर्तन है, है ना, उसका एरिया तो आप कैलकुलेट कर लोगे ना कि कितना दूर में वो पानी फैला हुआ है। अब जब एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, तो एरिया कैलकुलेट होने से हमें एक फ़ायदा हो जाएगा। क्या फ़ायदा होगा, तो देखो वॉल्यूम बराबर आप जानते हो एरिया इंटू होता है थिकनेस, सभी लोग जानते होंगे एरिया इंटू क्या होता है, थिकनेस। कैसे सर, तो देखो जैसे ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, है ना, ये वाला एरिया है, और ये इसका यहाँ से यहाँ तक थिकनेस हो गया, तो एरिया इंटू थिकनेस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और ये थिकनेस कितना, मान लो एच है, टी है, जो भी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम निकल आया, तो वही एरिया इंटू थिकनेस होता है। अच्छा सर, तो वॉल्यूम तो हमें पता है NV अपॉन 400 है, किसका वॉल्यूम, ओलिक एसिड का, तो ओलिक एसिड का वॉल्यूम हो गया 1 NV अपॉन 400। अब इसको हम इक्वेट कर देंगे एरिया से और इनटू थिकनेस से। अब थिकनेस कितना होगा, तो थिकनेस तो यही है ना, ये वाला देखो, अब ये थिकनेस जो है ये किसके बराबर है, ये डायमीटर ऑफ ओलिक एसिड के बराबर है। देखो ध्यान से, डायमीटर ऑफ ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल के बराबर है, क्योंकि हमने क्या माना, एक एक मॉलिक्यूल को बिछा दिया बिल्कुल सरफेस के ऊपर। तो ये अगर पता चल जाएगा, ये थिकनेस पता चल जाएगा, तो ये क्या है, डायमीटर ही तो है, है ना, तो हम लोग थिकनेस निकाल लेंगे यहां से। तो क्या हो जाएगा, NV अपॉन 400 होल डिवाइडेड बाई ए, और फाइनली क्या आ गया, टी इज इक्वल टू आ गया NV अपॉन 400 ए, और ये क्या निकल के आया, थिकनेस निकल के आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग थिकनेस पता कर लेते हैं, और थिकनेस क्या होता है, डायमीटर ऑफ द ओलिक एसिड के बराबर होता है। अब आपको कुछ भी निकालना होगा, इसका एरिया वॉल्यूम जो भी निकालना होगा निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ओलिक एसिड के साइज को, उसके मॉलिक्यूल के साइज को मेजर करते हैं। क्लियर है, इसे लिखते हैं एक बार, चलो तो देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। कह रहा है ओलिक एसिड एक सोपी लिक्विड होगा, ठीक है, सोपी नेचर का लिक्विड होगा, जिसका मॉलिक्यूलर साइज थोड़ा बड़ा होता है कंपैरेटिवली और एसिड से, क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होता है, नंबर एक। उसके बाद सारे प्रोसेस को हमने लिखा है। प्रोसेस क्या था कि सबसे पहले हम लोग 20 cm³ अल्कोहल लेते थे, है ना, 20 cm³ क्या लेते थे हम लोग, अल्कोहल, ठीक है ना, यहाँ पे ग्राम ले लिया मैंने, यहाँ पे cm³ हो जाएगा और यहाँ पे cm³ हो जाएगा। तो 20 cm³ अल्कोहल लिया, उसमें से एक डाल दिया, 1 cm³ ओलिक एसिड डाल दिया, तो वही लिखा मैंने, वी डिजॉल्व 1 cm ऑफ ओलिक एसिड इन 20 cm³ ऑफ अल्कोहल एंड देन रीडिजॉल्व। पहले तो यहाँ तक देख लो कि 1 cm³ ओलिक एसिड को 20 cm³ अल्कोहल में डाला गया और उसे डिजॉल्व किया गया, उसे घुमाया गया, है ना, तो उससे एक सॉल्यूशन बन गया, और फिर उस सॉल्यूशन को एंड देन रीडिजॉल्व, उस सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है जो 1 cm³ और 20 cm³ मिला के बना था, है ना, तो एंड देन रीडिजॉल्व 1 cm³ ऑफ दिस सॉल्यूशन। अभी देखो यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया था ना, जिसमें कितना था, 20 cm³ और 1 cm³, है ना, उस सॉल्यूशन को, उस सॉल्यूशन का 1 cm³ फिर से हमने निकाला और 20 cm³ अल्कोहल में फिर से डाल दिया। देखो यहाँ पे 20 cm³ अल्कोहल लिया, 1 cm³ ओलिक एसिड है, इसका सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन का 1 cm³ फिर से निकाला, 1 cm³ फिर से निकाला और 20 cm³ अल्कोहल में डाल दिया गया, 20 cm³ अल्कोहल में डाल दिया गया। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 1/20, किसका कॉन्सेंट्रेशन, ओलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल में, 1/20, यहाँ पे कितना हो गया, 1/400, क्योंकि 1/20 × 1/20 हो गया। ओके, अब देखो सॉल्यूशन अब इतना, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इज 1/400 cm³ इन 1 cm³ ऑफ अल्कोहल। अगर आप 1 cm³ अल्कोहल का उससे निकालते हो, है ना, यानी इस सॉल्यूशन को निकालते हो, यहाँ से फाइनल जो सॉल्यूशन है उसमें निकालते हो, तो 1 cm³ अल्कोहल में कितना मौजूद होगा, 1/400 cm³ ओलिक एसिड का होता है। ऐसा करने के बाद
अब क्या किया, हम वही ड्रॉपर निकाला हम लोगों ने, नाउ पोर एन ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर टेकन इन ए ब्रॉड वेसल। एक ब्रॉड वेसल में हमने क्या लिया, पानी लिया, वाटर लिया, है ना, और उसमें एन ड्रॉप डाल दिया, किसका, इस सॉल्यूशन का, जो फाइनल सॉल्यूशन बना था उसका एन ड्रॉप हमने डाल दिया। अब स्ट्रेच द फिल्म, थोड़ा देर बाद क्या हुआ, उसके फिल्म को जो ऊपर सरफेस बन गया, क्योंकि वो मिक्सअप नहीं होगा वाटर के साथ, उसके ऊपर एक फिल्म क्रिएट कर देता, उसे हमने स्ट्रेच किया थोड़ा सा, है ना, पेज कागज के हेल्प से और भी किसी चीज़ के हेल्प से, हल्के बॉडी के हेल्प से उसे और स्ट्रेच कर दिया, जितना फैल सकता था उसे हमने फैला दिया। स्ट्रेच द फिल्म केयरफुली ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर एज द अल्कोहल इवेपोरेट्स। जैसे ही अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा, है ना, उड़ जाएगा, ये वेरी थिन फिल्म, बहुत पतला लेयर, है ना, ऑफ ओलिक एसिड इज लेफ्ट ऑन द वाटर सर्फेस। जैसे ही इवेपोरेट होगा, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि अल्कोहल क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, जैसे ही अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा उसमें, सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा क्या, ओलिक एसिड, किसके ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर, और वो बहुत पतला थिन लेयर होगा, बहुत थिन लेयर होगा, है ना। उसके बाद हम उसके एरिया को मेजर कर सकते हैं, है ना, उसके एरिया को, जितना भी थिन लेयर बना उसके एरिया को हमने क्या कर लिया, मेजर कर लिया, और ओलिक एसिड का वॉल्यूम तो हमें पता ही था। कैसे पता चला, तो देखो वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन, एन भी, क्योंकि हमें पता होता है उस ड्रॉपर में एक ड्रॉप का कितना वॉल्यूम होता है ना, तो भी ड्रॉप का कितना वॉल्यूम होगा, तो एन भी, अगर एक ड्रॉप का भी था तो भी एन ड्रॉप का कितना हो जाएगा, एन भी, एक ड्रॉप का अगर भी था तो एन ड्रॉप का एन भी, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, अब हमें पता है कि अगर भी वॉल्यूम है तो उसमें 1/400 टाइम्स ही क्या है, ओलिक एसिड है अल्कोहल में, तो इसलिए हमने 1/400 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड निकल आया। अब इस वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड से हमें क्या निकालना है, थिकनेस निकालना है। थिकनेस क्यों, मैंने पहले ही बता दिया कि हम लोग क्या मानते हैं, एक एक मॉलिक्यूल का ये क्या बन जाता है, ऐसा फिल्म बन जाता है, ये फिल्म बन जाता है एक एक मॉलिक्यूल मिलके, है ना, और ये जो थिकनेस हम लोग अगर निकाल पाएंगे तो थिकनेस मतलब इसका डायमीटर को मेजर कर पाएंगे, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग थिकनेस निकालते हैं, ओके। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस, बताया था मैंने क्यों, है ना, एरिया इंटू थिकनेस, ये वाला एरिया और इसका ये थिकनेस, है ना, तो एरिया इंटू थिकनेस, तो थिकनेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन एरिया। अच्छा सर वॉल्यूम कितना है, एन बी अपॉन 400, एरिया क्या हमने मेजर किया, ए, तो फाइनली क्या हो गया, एन बी अपॉन 400 ए, है ना। इस प्रकार से हम इसके थिकनेस को यानी मॉलिक्यूल के साइज को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लें, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है लिंक, उसमें भी आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, वहां से भी नोट कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं से पॉज करके नोट करें, कर लिया नोट, चलो। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और अगले क्लास में हम लोग एंटर कर जाएंगे किसके अंदर, तो मास को मेजर करेंगे और टाइम को मेजर करेंगे। लेंथ को हमने मेजर कर लिया, बड़े लेंथ को भी मेजर कर लिया, छोटे लेंथ को भी मेजर कर लिया, अब मास को मेजर करेंगे और किसको मेजर करेंगे, टाइम को मेजर करेंगे।